अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में राम मंदिर को लेकर उत्साह जितना हिंदू समाज में देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी आगे आकर राम मंदिर के लिए अपनी ओर से संदेश भेज रहे हैं। हापुड़ में मुस्लिम महिलाओं ने रक्षाबंधन से पहले रामलला के लिए राखी भेजी। दरअसल मुस्लिम महिला मुशर्रफ चौधरी और तंजीला ऐना ने अयोध्या में रामलला को राखी भेजी है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी राखी भेजी है। मुस्लिम महिला तंजीला ऐना का कहना है कि वो मुस्लिम है, उसके बावजूद वो राखी के पवित्र बंधन में यकीन रखती हैं और मुल्क में आपसी भाईचारा बना रहे, इसी कारण उन्होंने कोरियर के माध्यम से रामलला और प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को राखी भेजी है। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मैं राखी के बंधन में बहुत यकीन रखती हूँ, इसीलिए राखी मैं मोदी जी को भेज रही हूँ, क्योंकि हम सब एक सेक्युलर कंट्री से हैं और हम सबको एक साथ ऐसे त्यौहार मनाने चाहिए ताकि और ज़्यादा भाईचारे बढ़े। और यही एक राखी, ऐसी एक राखी मैं योगी जी को भेज रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्की नज़र आ रही है, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि और आगे हमारे कंट्री और आगे बेहतर बने। वहीं मुशर्रफ चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्य को देखते हुए और महिलाओं के प्रति जो कार्य देश में किए उसे देखते हुए दोनों को राखी भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो रामचंद्र जी पर भी विश्वास रखती हैं, इसीलिए रामलाल को राखी भेजी है। राखी का पर्व आ रहा है, पावन पर्व आ रहा है, राखी का सावन का महीना चल रहा है, अब 3 अगस्त को राखी है, तो हमारी आस्था है, हमारे जो है हमारा ये मानना है, हमारे बड़े बूढ़ों का ये मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी भी अवतार थे और हमारे यहाँ तो बलि कहते हैं उनको, और जो है नबियों के बाद जिनका दर्जा आता है वो बलि होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं, तो क्योंकि वो सच्चे पुरुष थे और जो है हमेशा इंसाफ का उन्होंने साथ दिया और हमेशा गरीबों के काम आए, वो अच्छे काम किए उन्होंने और उनका राम राज्य मशहूर है, तो हम उनको वली मानते हुए उनके अंदर हमारी आस्था है और हम उनको महापुरुष मानते हैं और हम उनको राखी भेज रहे हैं, ये उनको पावन पर्व पर राखी के रक्षाबंधन। किस किसे राखी भेज रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि हमारे देश के बादशाह हैं, हम उनको बादशाह मानते हैं, और जो भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो बादशाह होता है, बादशाहत का ज़माना नहीं है, लेकिन बादशाह वही है जो प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भेज रही हूँ राखी। आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस साल राखी का त्यौहार कोरोना काल के कारण फीका नजर आ रहा है। हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।